लोकसभा के हम जो ओथ लेते हैं, हर मिनिस्टर एक ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर एक ओथ लेता है, और उस ओथ में क्या लिखा हुआ है? उस ओथ में लिखा हुआ है कि हमने शफाफत से अपना काम करना है। तो अगर कोई मिनिस्टर या कोई एडवाइजर कोई भी काम करता है जिसमें उस पर उंगली उठाई जा सकती है, मैं समझता हूँ आई विल वोट फॉर दिस लीडर, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से 50 बिलियन डॉलर्स जो है वो गायब हो चुके हैं, लोगों की नुकसान हो गया है, पानी जिस तरह सिंध के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, डेल्टा के लिए, जो मेरी बेटी बोल रही थी आपके सामने बीबी मरियम, वो ये था कि डेल्टा आप समझते हैं क्या होता है, जहाँ पानी समुद्र से मिलता है वो डेल्टा है, उस डेल्टा में हमें मीठा पानी चाहिए ताकि उस डेल्टा को हम संभाल सकें, फिर मछलियाँ हो सकें, फिर वो समंदर को पीछे भी भेज सके। इस वक्त 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ठट्टे में समंदर आगे आ गया है, पर वरन उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे और ज़रूर उसको संभालेंगे। तो सेकेंड थिंग सर, जो मेरी मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। भाई नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना वो ज्यादा है, अपना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने ही पार्लियामेंट को इज्जत देनी है, हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है, जितना हो सका है मेरे हाथ में है, मेरे ताकत में था, पॉलिटिकली मैं करता आया हूँ और अब भी मैं पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए ही काम करना चाहता हूँ।